ओके सो इट्स 4 इन द आफ्टरनून एंड इट्स फाइनली टाइम टू गो एंड हिट द जिम. ये टाइम मेरे लिए दिन का फेवरेट टाइम होता है बिकॉज दिस इज द टाइम वेर आई कैन जस्ट गो ऑफ इन द जिम एंड गेट इन माई जोन एंड वर्कआउट एंड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. आज मेरा पुश सेशन है तो चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप्स मैं बेंच प्रेस करने वाला हूँ और प्रोबेबली आई विल गो हैवी ऑन द बेंच. प्लान तो है 90 kg के अराउंड जाने का एंड 90 kg पे आई विल एम टू डू अ 3x3, 3 sets of 3 reps. देखते कैसे जाता है. लेट्स गो. Okay, so guys, Yash is now going to attempt 100 kilos on the bench. भाई मारेगा तो? एक ले भाई ये ले. Elbow wraps भी ले ले हम बोल रहे हैं. आज मैंने जीत. अरे you got this bro, come on. चलो. Come on, हो गया. हो गया. Hi guys. I failed 100 and he's gonna try 100 now. I hope he gets it. Dev is gonna record now. डू यू थिंक कैसा था रिप? मालूम था तुम वेट कर लेगा. प्राउड ऑफ यू. थैंक्स ब्रो. क्रैम भी आ गया थोड़ा लेफ्ट पैर में. सेम जगह पे जैसे जगह आया. बट लगा नहीं, मतलब हमको लगा नहीं कि आरपी 10 था. लग रहा था कि और भी आ सकता है. एक डेढ़ बाक ब्रो. नहीं, शुड आई गो फॉर 105? मान लेते एक दिन भाई पागलपना जब स्टार्ट ही कर दिया है, खत्म कर देते. शुड आई गो फॉर 100 वंस मोर? या यू शुड. You should but take the elbow straps. एक बार straps लेकर try कर. मैं मारा नहीं straps. मैं मेरे को इसमें मारा. उसमें तुमको थोड़ा help मिलेगा. मारना चाहिए. Try तो कर ना. तुम क्या ट्रेनिंग करूँगा रे? हाँ. तेरा 75 में fail हुआ था. और एक बार attempt मारना ठीक है. 2-1. चल. Come on. चल. कोई बात नहीं. I think 102, 102, 102.5 is there.